Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. मैं कबाय नूर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू शादी सागर सीरीज़। और आज के आई लुक में मैं एक वेडिंग गेस्ट आई मेकअप लेके आई हूँ। ओके, सो इस आई लुक को आप लोग किसी भी फंक्शन पे क्रिएट कर सकते हैं, बारात एंड वेलीमा रिसेप्शन जो भी है। आप एज ए वेडिंग गेस्ट जा रहे हैं शादी पे, तो ये आई लुक ईजिली आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप साड़ी वेयर करें, ब्लैक एंड सिल्वर कलर का कोई भी ड्रेस वेयर करें, ब्लैक साड़ी वेयर करें, तो ये आई मेकअप शिमरी स्मोकी आई लुक जो मैंने क्रिएट की, ये बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल येट ग्लैम आई मेकअप लुक है। बहुत इजी पीजी वे में मैंने ये लुक क्रिएट किया। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं। तो फटाफट से अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, मैंने ये लुक कैसे क्रिएट की है। ओके, सो जी यहाँ पर मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ और मैंने सीरम यहाँ पे रिवाजू का लिया है, 24 की गोल्ड सीरम, एंड लिली ऑर्चिस का प्राइमर लिया है। और इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से अपनी स्किन में जो है वो लगा लिया। पहले मैंने सीरम अप्लाई किया था, देन उसके 5 मिनट्स बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया था। अब प्राइमर को 5 मिनट्स देने के बाद यहाँ पर मैं सिर्फ मिसबा की सिल्क फाउंडेशन यूज़ करी इन द शेड फेयर, और इसको मैंने यहाँ पर एक बफिंग ब्रश लिया और इसको मैं अच्छी तरह से अपनी स्किन पर स्प्रेड कर लूँगी। इस फाउंडेशन को हमने फटाफट से जो है वो ब्लेंड आउट कर लेना। अगर हम इसको जल्दी ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये जहाँ पे चिपकती ना वहीं पे चिपकी जाती है, फिर ब्लेंड आउट ही नहीं होती। ओके, ये डैम्प स्पंज के साथ मैंने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड आउट कर लिया। देन मेबेलिन का सुपर वाइट कॉम्पैक्ट पाउडर मैं ले रही हूँ, न्यूड बेज 02, इसमें मेरे पास शेड है, ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। और हल्का सा मैंने लिया, ज़्यादा नहीं लिया, एक फ्लफी ब्रश पर मैंने इसको पिक किया और इसके साथ मैं अपने बेस को जो है अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। देन जी यहाँ पर मैंने एक छोटा ब्रश लिया है, फ्लफी सा है, फ्लैट है जस्ट, बट फ्लफी है। ब्लैक शेड मैंने यहाँ पे पिक किया, कोई भी आईशैडो पैलेट में से मैट ब्लैक शेड जो वो पिक करें। और इसके साथ मैं अपने उस ब्लैक शेड को अपनी आईलिड एरिया पर पहले डैब डैब करके रखूँगी, उसके बाद हम उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। कलर को ज़्यादा ऊपर तक मैंने अप्लाई नहीं किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी आईलिड के अंदर अंदर रखते हुए मैं ब्लैक कलर को यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। एकदम से मैंने इतना ज़्यादा कलर नहीं पिक कर लिया, जस्ट हल्का हल्का मैंने पिक किया है कलर ब्रश पे, देन उसको मैंने अपनी आईलिड पर रखा है। जब आप लोग स्मोकी आई लुक कर रहे होते हैं तो उसमें ब्लेंडिंग तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लेंडिंग भी अच्छी तरह करनी है। हमने अब इस ब्लैक कलर की पहले कलर को मैंने अप्लाई कर लिया। ओके, जब यहाँ पर मैंने उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया हल्के हल्के स्ट्रोक के साथ, यहाँ पर मैंने कलर पिक नहीं किया, कलर पहले मैंने लगा लिया। अब सेम उसी ब्रश के साथ और हल्के हल्के स्ट्रोक्स के साथ मैं अपने ब्लैक कलर को ब्लेंड आउट करूँगी। ज़्यादा ऊपर क्रीज तक नहीं लेकर जाना, जस्ट आईलिड एरिया जो है हमारा उसके अंदर रखते हुए हमने अपने इस कलर को ब्लेंड आउट करना है। ब्लैक कलर के साथ प्ले करना बहुत टफ होता है, इसलिए बहुत एहतियात से काम करना है और एहतियात से ब्लेंडिंग करनी है। तो जी ब्लैक कलर यहाँ पे मेरा ब्लेंड हो गया, उसके बाद सेम मैंने वही आर्टमेटिक की पैलेट ली, इसमें से मैंने ब्लैक कलर लिया था। अब मैं एक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और इसको मैं अपने ब्लैक कलर के ऊपर इनके एज ए क्रीज में इसको मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ पर अभी मैंने ब्लेंडिंग नहीं की, जस्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर को। देन फिर हम अपने ब्लैक के एजेस को इस ब्राउन कलर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करेंगे। ओके जी, कलर मैंने अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद अब मैं आउटर वी से ब्रश को स्क्रॉल करते हुए ऊपर क्रीज तक लेके जाऊंगी, आउटर वी पर सर्कुलर मोशन, देन क्रीज में टू एंड फ्रो मोशन, और अच्छी तरह से मैं ब्लैक के एजेस को जो है वो ब्लेंड आउट करूंगी। दोनों आइज पर मैं सेम इन्हीं पोजीशंस के साथ अपने कलर को सीमलेसली ब्लेंड आउट करूंगी। स्मोकी आई लुक करना है, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी से अच्छी ब्लेंडिंग होगी हमारी स्मोकी आई लुक उतनी ज़्यादा इन्हेंस होगी, इसलिए हमने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है। देन यहाँ पर मैंने एक क्लीन ब्रश लिया, इसके ऊपर मैंने कोई भी कलर पिक नहीं किया और इसको मैं दोबारा उसी सेम पोजीशन पर अप्लाई करूँ ताकि मेरा कलर और अच्छी तरह से ब्लेंड आउट हो जाए। ब्लेंडिंग के दौरान ब्लैक कलर जो था वो थोड़ा डिफ्यूज़ हो गया था, इसलिए मैंने हल्का हल्का ब्लैक कलर जो है वो थोड़ा और अप्लाई किया दोनों आईज पर, और इसको मैंने सेम पहले वाले ब्रश के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर दिया। इसके बाद फिर मैंने क्लीन ब्रश लिया और अगेन मैंने अपने दोनों कलर्स को अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर दिया ताकि हार्श लाइन्स जो है वो ख़त्म हो जाए। शिमर पैलेट यहाँ पे मैंने लिया और एक स्मोकी सा शेड लिया, ग्रेन ब्लैक सा, और इसको मैंने फ्लैट ब्रश पे पिक किया और इसको मैं अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई करूँगी जहाँ पर मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया था, क्योंकि हमारे शिमरी स्मोकी आई लुक क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये स्मोकी सा कलर मैंने पिक किया है और इसको अच्छी तरह से मैंने अपने दोनों आईज पर अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद मैंने ब्लैक शेड पिक किया है कट ब्रश पर और अपनी लोअर लैश लाइन, हाफ लोअर लैश लाइन पर मैं उसको अप्लाई करूँगी। देन इसके बाद मैंने सेम ब्राउन शेड पिक किया उसी सेम ब्रश पे और ब्लैक कलर के साथ मैं उसको ब्लेंड आउट कर दूंगी। पहले मैं यहाँ पे ब्राउन कलर को दोनों आईज पे जस्ट अप्लाई कर रही हूँ। तो अब मैंने दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड आउट कर दिया, मैंने एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है,
और ब्लैक और ब्राउन दोनों कलर्स को मैं सीमलेसली लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड आउट कर दूँगी। ज़्यादा आगे तक मैंने कलर को नहीं लेके जाना, जस्ट पीछे पीछे लगाया, वहीं पर हमने उसको ब्लेंड आउट करना है। देन सेम वही स्मोकी शेड शिमर जो मैंने ऊपर लगाया था, उसी को मैं नीचे अपनी फ्रंट लोअर लैश लाइन पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। देन उसी सेम शिमर पैलेट से मैंने ये वाइट शेड पिक किया, उसके साथ मैं अपने टियर डक्ट एरिया को हाईलाइट करूँगी एंड देन अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी। ओके, सो यहाँ पर मेरी जो लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। आईज़ में मैंने न्यूड पेंसिल जो अप्लाई कर ली थी, मिस रोज़ की लैशेज भी मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी एंड मस्कारा भी। ओके, सो ये मेरी फाइनल फिनिश लुक है। होप आपको आज की ये शिमरी स्मोकी आई मेकअप लुक जो है वो अच्छी लगेगी। तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी हिट किया करें ताकि मैं जो भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को झटपट मिल जाए। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस लुक को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए हैं आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे ऐसे आई मेकअप के साथ। अल्लाह हाफिज़।